रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारी मस्जिद 900 बेस की मस्जिद है, हमको 900 बेस की मस्जिद चाहिए। कोई मदरसा कोई लीगल में नहीं है, यहाँ पर इलीगल मदरसा बनाया हुआ है। लीगल मदरसा कुछ नहीं है यहाँ पर, गैर जरूरी कब्जा हो चुका है। 350 गज न्यू पोर्शन ऑफ द मस्जिद कब्जा हुआ है। इजाज़ भाई आप बोलिए। ये हमारी मस्जिद जामिया अहले हदीस चिकनपुरा पूरी 901 गज वक्त के तहत है और यहाँ पे 350 गज मस्जिद हमारी कब्जा हो गई है, इलीगल कब्जा हो गई है। एक प्राइवेट एंटिटी चल रहा है, इससे पहले 3 मदरसे चले वैसी, फिर वो चेंज होते गए, अब ये 14 मदरसा चल रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसका एक ही एक रीजन है, अब्दुल करीम मस्जिद के एक्स प्रेसिडेंट थे। अब जमियतुल हीरा के भी प्रेसिडेंट जो है अब्दुल करीम है। एक तरफ मस्जिद की कमेटी के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ मदरसे के कमेटी के प्रेसिडेंट, इन्हों अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं, अपने आप को लीज के डॉक्यूमेंट्स पे अग्रीमेंट्स पे जो है साइन कर ले रहे हैं। साइन कर लेके इन्हों अपनी मनमानी कर लेते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मदरसे पहले क्या करें, आज से 8-10 साल पहले मदरसे के मस्जिद के लिए तामीर बोल के पैसा कलेक्ट करना शुरू करें। पैसा कलेक्ट करना शुरू करने के बाद में एक इमारत बनाए, वो इमारत में हम हर कोई हमारा हमारे बहनों का हमारे माओ का चंद लोग अपना चंद बहने अपने सोने जेवरात निकाल के पैसे डाले। उन्होंने शुरू में हमारे को एक नक्शा बताते गए, बोले कि ये पूरी मस्जिद बनने वाली है, पहले 350 गज बनाऊंगा, फिर उसके बाद में बाकी की 550 बनाऊंगा, पूरे पार्किंग के लिए 2 सेल्लर, पूरा प्लान बेहतरीन नक्शा एक बताए, हम उनके ऊपर भरोसा करें। उसके बाद में 350 गज पूरा डिसमेंटल करके वहाँ से शुरुआत से 600 इनो सब चीज़ में अमानत में खयानत करते गए। पूरे 3-4 करोड़ रुपए लगाए के मस्जिद की एक इमारत बनाई। इमारत बनाने के बाद में हल्लू अपने घर का जाती मदरसा, जो मदरसा चलता था अपने घर में कोई एक दूसरे मौलाना को ऐसा मदरसा लीज पे दिए थे, उनको 25,000 रुपए उनके पास से किराया लेते थे, उनको हटा दिए। वो मदरसे के डॉक्यूमेंट्स लिए आगे आके ये प्रॉपर्टी पे बैठ गए। ये प्रॉपर्टी पे बैठ के आप बोले ये मेरा पूरा कब्जा है। कोई हमारे जैसे लोग अगर कोई जा रहे बड़े बुजुर्ग 60-70 साल के लोग जाके पूछ रहे क्या है बाबा ये क्या कर रहे हैं, बोले तो या तो उनको डरा रहा धमका रहा मार दे रहा। आलिमों की खतर नहीं है। बरकतुल्लाह मदनी, उबैदुल्लाह फैजी, अबुल हसन प्रतापगढ़ी, सनाबिली और कई सारे आलिमा उनके ऊपर जुल्म करते गया, जुल्म करते उनको मार के भगा दिया, भगा के खत्म कर दिया। कोई जो है शिकार हो चुके हैं, कई सारे लोग शिकायत हो चुके हैं, सब लोगों को नोटिस भी जाता और बोलता है कि भाई मैं सब चीज मैनेज कर लेता हूँ। हमारे पर्सनल अटैक करता, कैरेक्टर असैसिनेशन करता, अगर कुछ भी पूछे तो क्या करता, या तो फिर गुंडों के जरिए डराता हमारे, या फिर हमारे ऊपर फेक के साथ बुक करने के लिए डराता। सब लोग बाहर जाने वाले कमा के खाने वाले लोग हैं, सबको डरा के तो सबकी जातियत पे जाते रहता। इसका पुराना हाल कोई नहीं है और इन्हें खुद अपने भाइयों के भाया इसको पूरे भाया मिलकर मारे, क्योंकि इन्हें कई सारे चीजें इसके साथ। अब हम इसके पर्सनल चीजों को बोलना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से और खास करके मसीहुल्लाह खान साहब, आप चेयरमैन बने, आपको चेयरमैन बनाए तो अल्लाह ताला आपके ऊपर फजल कर रहा समझो। आप बैठे तो वहाँ पे आप बैठ के आप क्या करो, इंसाफ करो। अब हम आपके पास कई बार आ रहे हैं, कई बार आके हम आपके पास दरखास्त देते जा रहे हैं, साहब हमारी मस्जिद है तो इंक्रोच होते जा रही है, आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। मेरे को नहीं मालूम आप क्या वजह से एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो आप अनफिट है साहब, आप वहाँ पे क्या वजह से बैठे, आप फिट है बोल के हम समझते हैं, आप एक्शन फौरन लीजिए। हम आपके पास कई दरख्वास्त दिए, बोले कि भाई किसी की भी कमेटी की हमारे को जरूरत नहीं है। हम जब हमारी कमेटी डाले तो आप हमारी कमेटी को क्या बोले, नहीं भाई हम लोग उनकी कमेटी को देते, बोल के क्या वजह से आप उनको कमेटी को बार बार दे देते जा रहे। हम यूनानी बस के लिए पूछे, डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए पूछे, आप कोई भी चीज़ को वो नहीं करे। आप इसके बाद में सो मेरिट बेसिस पे इफ्तिखार साहब का पैनल अप्रूव हो गया, उनके जो है प्रोसीडिंग्स पे सिग्नेचर हो गया, बाद भी आप क्या करें, उनके आप होने के बावजूद भी आप है सो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे तक आए नहीं। पिछले 1 साल से केयर टेकिंग कमेटी बोल के उन्हें अपनी मनमानी कर लेते जा रहा। मस्जिद की हालत देखो, मस्जिद के ऊपर गिलावा नहीं है, अंदर सेलर अंदर जो है स्लैब के अंदर जो है स्लैब में जो है अस्तरकारी नहीं हुई। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मालूम हो जाता है कि मस्जिद का हिस्सा जो करीब है जिसके ऊपर अस्तरकारी नहीं कुछ नहीं, ये मदरसे का हिस्सा। यहाँ पे पूरा 5-star होटल बना लेते क्या, मस्जिद के नाम पर चंदा मांगते क्या, मदरसे पे लगा लेते क्या। एक एक स्लैब के वास्ते तुम कितनी अमानत में खयानत करे हमारे, अब हद तो यह हो गई। अब तुम क्या बोल रहे हो, सीधा 30 साल के लीज पे मदरसे से मेरे को आमदनी नहीं हो रही, मेहंदी कोर्सों से आमदनी नहीं हो रही, डिजाइनिंग से नहीं हो रही, इसलिए मैं मदरसे को फिर आप क्या करें वो ऊपर रख दिए, उसके नाम पर पैसा मांग रहे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देता हूँ बोलते बोले
बाजब साहब आपके प्रिंसिपल को बिठा के बोले इरफान उमरी साहब आप उमरी है आप आलिम है आपको मेंबर रसूल पे ठहराते आप दो दो मुख्य बातें करें। आप इससे पहले मस्जिद में जो मदरसे का प्रोग्राम था तो आप ये बोले कि ये मदरसा मस्जिद का ही है मस्जिद के तहत ही है मस्जिद की ही मैनिंग कमेटी है बोलते आप बताएं। फिर परसों में आप एक नया वीडियो रिलीज करके बोलते मस्जिद की बाजू वाली जगह बोल के बोलते आप कैसा बोलते हैं आप आइंदा बार यहाँ पे आना ही नहीं। अब अगर आप आ रही तो आपको अगर कोई बुलाए तो इमामत के लिए आना आप अल्लाह के घर को हमार को सौंप के चले जाना। सुने इससे पहले भी कलीमुद्दीन ऐसी करे अल्लाह ताला कलीमुद्दीन को हिदायत दिया जूते लाता पढ़ने के बाद में उन्होंने सुधर गए। शफीक आलम साहब आप जमीयत अहले हदीस के प्रेसिडेंट हैं आप 8 साल से हम यहाँ पे इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि आपको दिख रहा नहीं आप आगे पूछते नहीं आप खाली ओहदे पे बैठ जाते हैं आपको ओहदे पे हम बिठाए हम अहले हदीस बिठाए आपको हम आप ओहदे पे बिठाया बैठ के 100-150 मस्जिद के मसले आप फैसला करने वाले आप आके नहीं आप मेंबर रसूल पे बैठ के ये बोलते कि भाई मुत्तहिद हो जाना अपने अपने अंदर के इख्तलाफात खत्म करना आप क्या मौका दिए बतलाइए आप आओ आप आके हमारे पूछना नहीं तो आप अनफिट है आप इस्तीफा दे दो फौरन दे जाओ। सुने आप आइए आप आके फैसला करना और अब्दुल करीम हमारे को होना ही नहीं है मेरे से अकेले से नहीं पूरे मुसलियों से हमारा एक ही मुतालबा है अब्दुल करीम के नाम का अल हिरा के नाम का ट्रस्ट हमारे को नहीं होना मस्जिद जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के नाम का मदरसा होना बस और 901 गज जो जमीन है अल्लाह के घर की वही रहना और किसी का मदरसा नहीं होना सिर्फ और ये मस्जिद का मामला है सिविल मैटर है ये हम के दो और एक चीज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट ये ऐड करना चाह रहा हूँ आप टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं करना आप हम मस्जिद का पूछ रहे मस्जिद का बोलना आप बोलते शेख फजीउद्दीन हैदराबादी कौन है उन्होंने दूसरी जमीयत देती थी हमारे को उसे कोई वक्त नहीं उन्होंने मस्जिद के मुसल्ली है जबकि अब्दुल करीम अब जब से ओहदा लिया है आज तक 5 वक्त की नमाज एक दिन की 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा नहीं किया और अल्लाह ऐसा सदर है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे और शेख फसी कभी हमारे को बोले नहीं आपके अपने चैनल हुदूद टाइम्स पर ऐसे ही खबरों के लिए YouTube पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहले पहुंचे आप तक। साथ ही Facebook पर इसे लाइक करें और फॉलो करें Instagram और Twitter पर।